चला। तो दोस्तों दीवार आइलैंड के लिए हमें लेनी पड़ेगी फेरी, और ये है हमारी स्कूटी। तो यहाँ से फेरी में चढ़ के हमें जाना है दूसरी तरफ। तो ये है दोस्तों गोवा का लोकल ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फेरी में और थोड़ी देर में ये चलने वाली है। यहाँ से देख सकते हैं मेरे पीछे आप व्यू ऐसा, समुंदर के बीचों बीच हैं दोस्तों। और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। अगर आप बाइक में हैं तो बाइक फ्री है कम्यूट करना, और फोर व्हीलर में है तो चार्ज लगता है। तो हॉर्न बज चुका है भैया जाने का। तो अगली तरफ पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी फेरी निकल पड़ी है यहाँ से, और ये आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नज़ारा है। और एक वो अभी वहाँ पहुँची भी है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ होता है भाई यहाँ से लोकल कम्यूट करने का। तो ये हमें लेकर जाएगी दीवार आइलैंड। पानी दोस्तों खचाखच भरा है एकदम समुंदर में, तो बारिश से और भर भर के भाई एकदम सड़क तक पहुँच गया पानी ऊपर। दोस्तों ये अगली तरफ आप देख रहे हैं लोग इंतज़ार कर रहे हैं फेरी के पहुंचने का। तो जैसे ही हम उतरेंगे तो वहां से सवारी चढ़ने को भी तैयार है। इंजन बंद हो चुका है और हम बस उतरने ही वाले हैं। तो भाई साहब दीवार आइलैंड की सरहदें चालू होने वाली है यहां से। दीवार आइलैंड में हम एंटर कर चुके हैं दोस्तों, और ऐसा कुछ व्यू है, बादल पूरे लगे हुए हैं और पानी आप देख लो। ये है दोस्तों आइलैंड के गांव में हम एंट्री कर चुके हैं, और अभी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा अंदर क्या है क्या नहीं है। भाई सो फाइनली हम दीवार आइलैंड पे पहुँच गए, और यहाँ पे अभी भी पता चला है गणेश, मतलब बेसिकली यहाँ पे गणेश टेम्पल है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे जाने की हम कोशिश करेंगे। और कुछ एक सिमेट्री हैं, कुछ और चर्चेज हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको वीडियो में आगे कीप यू पोस्टेड। Till then, keep watching, keep subscribing, and I'll give you some more YouTube links. तो दोस्तों हाईलैंड को एक्सप्लोर करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें यहाँ पे एक चर्च है यहाँ पे मिला है, काफ़ी एंशियंट चर्च है दोस्तों। यहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अंदर क्या है। और एक गणेश टेंपल के बारे में भी पता चला हमें, गांव वालों ने बताया है। ये दीवार विलेज है दोस्तों, तो ये आइलैंड का नाम ही दीवार आइलैंड है। और इसकी जो फेरी है ये आपको साउथ गोवा से मिलेगी, साउथ गोवा से जो हमारा बीच वाला इधर वाला जो रास्ता है चर्च वाली रोड से, वहाँ से आपको फेरी मिलेगी इसकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों। अगर आप बाइक स्कूटी में आ रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर फोर व्हीलर में है देन यू हैव टू पे 10 रुपीज़। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। तो इधर हम हैं, अभी हम चलते हैं थोड़ा चर्च के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं क्या है यहाँ पे। और ही एक मंदिर भी हमें दिखाई दे रहा है, गणेश टेम्पल है ऐसा कहा गया, उधर भी जाएंगे।
बहुत बड़ा चर्च है यार, देखते हैं इधर से क्या है। दोस्तों ये जो आप चर्च देख रहे हैं ये सबसे पहला और पुराना चर्च है यहाँ पे दीवार आइलैंड पे, और ये 1700 ईस्वी में बनाया गया था यहाँ पे। हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे पहले हिंदू टेंपल थे एंशिएंट, जिनको मुस्लिम रूलर्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और 15th सेंचुरी में फिर इस चर्च का निर्माण हुआ। और जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था वो गोवा के ही प्रीस्ट थे, जिन्होंने इस चर्च को डिज़ाइन किया था। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है और लेडी ऑफ ब्यूटी चर्च का। ये मैं थोड़ा सा बाहर का एरिया आपको दिखा रहा हूँ। और ये फ्रंट एरिया है ऐसा, और इस साइड से अभी हम आए थे। अंदर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल डोर्स यहाँ पे क्लोज है, अभी कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। एक रास्ता जाता है और उधर भी है, हमें देखना पड़ेगा किस साइड है। इधर से शायद कोई रास्ता हो, फ्रंट डोर पे क्लोज है, और ये रास्ता ओके। तो यहाँ भी दोस्तों ये भी रास्ता बंद ही लग रहा है, यहाँ के भी डोर्स क्लोज है। यहाँ पे भी अभी क्लोज है डोर, बट ये इमारत काफ़ी पुरानी है दोस्तों, 1700 ईस्वी की बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी एंशियंट चीज़ें हैं। चर्च मोस्टली दोस्तों जहाँ भी हम गए हैं दिन में जहाँ टूरिस्ट विजिट करते हैं वो तो खुले रहते हैं, बट मोस्टली चर्च वगैरह दिन में बंद ही रहते हैं, प्रेयर्स के टाइम पे खोला जाता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द चर्चेस फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आर नॉट अलाउड। तो दीवार आइलैंड में यही एक चर्च है बड़ा, शताब्दी में बनाया गया था इसे। और थोड़ा सा हम इधर अंदर की तरफ जाके देख लेते हैं अगर कोई दिखता है। तो जैसे कि ये आइलैंड है दोस्तों और ये एक गांव है, तो बहुत ही लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। इधर भी दोस्तों ये वाला भी डोर है बिल्कुल बंद ही है, लिखा है हाउस ऑफ प्रेयर प्लीज कीप साइलेंस, पुट मोबाइल ऑन साइलेंट मोड, नो फोटोग्राफी ऑफ पर्सन, डू नॉट टेक सेल्फी फोटोज, नो इमोटेंस ड्रेसिंग, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑन सीसीटीवी। ओके, तो दोस्तों सारे ही दरवाजे फिलहाल अभी बंद है चर्च के, बट इमारत 1700 शताब्दी की, और ये बहुत ही बड़ा विशाल स्टेडियम और खूबसूरती बढ़ा रहा है यहाँ चर्च। अगर कोई हमें दिखता है तो हम पूछते हैं चर्च में जाने का कोई रास्ता, अगर वो तो नहीं बताए। उधर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों अभी हमने पर्सन से पूछा है, उन्होंने बताया कि चर्च बंद ही रहता है,
हो सकता है वो प्रेयर के टाइम पे बोलते हैं, बट फिलहाल अभी तो चर्च के दरवाजे अभी फिलहाल बंद है, तो अंदर से शो करना मुश्किल है थोड़ा, बट बाहर की हमने आपको इमारत दिखाई है। और भी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और भी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे चर्च के दर्शन करने। आवर लेडी ऑफ पिटी चर्च, ये है दोस्तों नज़ारा, बहुत बेहतरीन है। आई होप आप लोगों को चर्च का व्यू काफ़ी पसंद आया होगा। ये 1700 शताब्दी की चर्च है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।